नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, शहर की टिपू सुल्तान रोड आज एक मरतबा फिर चर्चे में आ गई है। नाजरीन, इस सड़क पर वाक़ा लक्ष्मी नारायण अस्पताल एक बार फिर तनाजे का शिकार हो गया है। नाजरीन, इससे कबल अस्पताल के मैनेजमेंट पर इल्ज़ाम था कि अस्पताल का मैनेजमेंट लगे सड़क पर एक मंदिर तामीर कर रहा है जो कि गोश्त के दुकान के बिल्कुल रूबरू वाक़ा है। सड़क पर मुस्लिम आबादी कसरत से आबाद है और इसी सड़क पर यह अस्पताल भी मौजूद है। यहाँ पर गोश्त की कई दुकानें हैं, ऐसे में एक छोटी सी मंदिर लबे सड़क पर तामीर करना, जिसका ना कोई इहाता रखना और ना ही कोई गेट रखना, आने वाले दिनों में फसाद को और अमन को तोड़ने को दावत दे रहा है। इस फसाद की जड़ को मिटाने के लिए अनुखले के नौजवान अहमद बेग और दीगर नौजवान मिलकर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन्होंने अस्पताल इंतजामिया से बात की तो अस्पताल इंतजामिया ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। चुनाचे उन्होंने आगे बढ़ते हुए इस मामले को डिप्टी कमिश्नर की सुनवाई में लाया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश करते हुए दरख्वास्त की कि आने वाले दिनों में बर्पा होने वाले फसाद को अभी से रोका जाए और इस सड़क पर फसाद की बीज ना डाली जाए। साथ ही साथ इन्होंने बल्दिया कमिश्नर को भी इस सिलसिले में मेमोरेंडम देते हुए ये बताया कि सड़क की तोसी के दौरान नाजायज अराजी को बचाने के खातिर ये मंदिर तामीर किया जा रहा है, जिससे आगे आने वाले दिनों में फितना और फसाद फैलने का अंदेशा है। क्योंकि इस जगह पर यानी इस सड़क पर गोश्त की दुकानें हैं, यहाँ पर बिल्लियाँ कुत्ते वगैरह आकर गोश्त खाते हैं, हड्डियाँ मुँह में दबाकर भाग जाते हैं। अगर कोई कुत्ता या बिल्ली गोश्त की हड्डी या फिर गोश्त का कोई लोथड़ा मुँह में दबाकर भागे और मंदिर के करीब छोड़कर चला जाए तो आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फसाद या फिर फितना पैदा हो सकता है। इसको अभी से रोकने के लिए ज़रूरी है कि मंदिर को अंदरूनी इलाके में ही रहने दिया जाए, लबे सड़क पर एक और नई मंदिर तामीर करने ना दिया जाए। इनका कहना था कि इस अस्पताल में पहले ही पिछले इलाके में एक मंदिर वाक़ा है, इसके बावजूद लबे सड़क पर मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे अमन को नुकसान हो सकता है। लिहाजा अभी से इस फसाद की जड़ को यहाँ से ख़त्म किया जाए। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक ना ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई की गई, ना बल्दिया की जानिब से कोई कार्रवाई की गई। लिहाजा नौजवानों ने आज बाद नमाज जमा फिर से मुतहिद होकर एहतजाज किया और उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर जल्द ही इस मामले का निपटारा नहीं किया गया, अगर जल्द ही इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो आने वाले दिनों में इस सड़क को बंद करके और ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर सैयद शमशुद्दीन, अहमद बेग, मोहम्मद फारूक, शहबाज हुसैन के अलावा वार्ड नंबर 7 और 8 अनुखला, कोटला, गालिब नगर के कई नौजवान मौजूद थे। जुलाई को दिए, आप कुछ भी एक्शन लेंगे उस बारे में और आगे गलाटा होने वाला है उधर, इमीडिएटली आप निकालते हैं? नहीं निकालते एकदम ऐसे ही बैठ जाते हैं और मास्टर प्लान कटिंग भी नहीं करे साहब, कुछ कटिंग भी नहीं करे। क्यों कटिंग नहीं करे? आप लोग कुछ पैसे खा गया म्युनिसिपैलिटी वाले और काउंसलर मिलकर पैसे खाए, काउंसलर मिलकर पैसे खाने की वजह से कटिंग नहीं करे, बाजू से नाली बना लिए। क्यों, क्या रीजन है उसका? हमारे गरीब लोग पूरा कट करे, पूरे गरीब लोगों के घर चले गए वहाँ पे, और हमारा आशिकाना बोल के आशिकाना भी कट करे तो उसका क्यों नहीं कट करे? और बाहर मंदिर बनाने की जरूरत क्या है उसको? अंदर ऑलरेडी है, हमको सपोर्ट करे, होना रहे तो हम आगे उसको हेल्प करते हैं। पहले क्या ना रोड कवर है, इससे पहले मार्क करने का मेरे से पहले कल्चर और उनका इसका वास्ते मंदिर मत बना बोलो, मैं भी सही का आपको डॉक्यूमेंट भी बोलो 1000 रुपये से उनको डॉक्यूमेंट ला के बोले, वो डॉक्यूमेंट ला के दिए बाद में वो लीगली क्या होता है वो हिसाब से मैं करने के लिए उसके बारे में आप बोले ना। इससे पहले क्या है ना, मैं आपको क्या मेजरमेंट मार्क करे थे और फिलहाल क्या करें वो हिसाब से हमारे इधर के निर्देश को ये करें। मंडे के दिनों में इस पार्ट को बिगड़ते अंदर दिशा नहीं सब, आप मंडे बेस को बोले, आप मंडे आगे जा रहे खाली रूम क्लियरिंग कर रहे हैं, कटिंग क्यों नहीं कर रहे साहब? अभी मंदिर छोड़ो साहब, आप कटिंग क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे उस बारे में मेरे को आइडिया नहीं, जानकर नहीं, मैं आपको एक आपको मालूम है ऊपर मैं बेस्ट हूँ, स्मार्ट हूँ, बेस्ट क्या आप लीगली क्या है ना, बात क्या करना ना, चार आदमी का क्या है वो सबसे करो।
नहीं सर, नहीं आपको ऐसे चीज है ना, और 10 बार होना है बोले तो रास्ते माँ को देते। नहीं सर, अभी तो हम जाने ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟಿ ಬಂದು ನಮ್ ಏನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ ಜೆಇ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ मेजरमेंट करो, मेजरमेंट करके उसका कितना जाता हॉस्पिटल का उतना तोड़ा, जितना हमारे गरीब लोगों का पूर्व के घर मड़िया जो भी तोड़े उसका भी उतना तोड़ना, खाली उसको बाहर से नाली बनाए बोले तो नहीं चलता हमारे इसका, वैसा ही छोड़ दे। हौसलर भी और कमिश्नर पहले जो थे कमिश्नर उन सब मिलकर पैसे खाए म्यूनसिपाली वाले, खाने की वजह से उसका हॉस्पिटल वैसे ही छोड़ दी। वो हिसाब से सर हमारा दूसरा क्या नहीं है, बनाने बनाते साहब अभी मंडे आप एक्शन लेना, हमारे कुछ भी रहेंगे उसको प्रॉब्लम हमारे सॉल्व करना। ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ನಾನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿ ಬೇಕು ಆಪ್ ಲೋಕ ಕ್ಯಾ ಯೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆ ಸೋಯೆ ವೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಮಂಡೆ ದಿನ ಮೈ ಹಮಾರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜಗ ಪೆ ಆಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕರಕು ಆಗೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ನಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮೈ एक्शन लेंगे एक्शन लेने के लिए कब मंडे मंडे आप खुद आएंगे यस ओके ठीक है सर ना प्यार और मोहब्बत से आए हिंदू चारे को जो है भाईचारे को जो है बरकरार रखते हुए आए अब तक ये भाईचारे को जो है खराब करने के लिए जो है ना इन्हों पीछे मंदिर रहने के अलावा जो है सामने भी जो है ना मंदिर की जो है तामीर करे हैं और इनका नजरिया जो है मास्टर प्लान में जो है दवाखाना जाता बोलने के नजरअंदाज से जो है ना नजरिए से जो है ना इन्हों गुड़ी को तामीर करे हैं और हमारे गोश्त की दुकाना है बीफ की दुकाना है वहाँ और उसकी वजह से जो है ना कुत्ते जो है ना मुंह में गोश्त पकड़ के लेकर जाकर डाले तो हम लोग अंदाले वर्कर जो है ना इसके अंदर जो है ना एक हिंदू और मुसलमान का जो भाईचारा है उसको खराब करने के लिए जो है ना इन्हों एक साजिश के तहत जो है ना ये बनाए हैं इसके हम इसलिए जो है ना हम कमिश्नर साहब को जो है एक मेमोरेंडम सबमिट करे हैं और गुज़िश्ता बार भी जो है ना दिए थे वार्ड नंबर 7 से तो भी जो है ना ये लोग जो अपना जो काम था जिम्मेदारी से करना था नहीं करे इसकी वजह से फिर एक मरतबा जो है हम लोग एक अदबन गुजारिश के तहत जो है ना इनको मेमोरेंडम दिए हैं तो हम अपील करते हैं कमिश्नर साहब से कि काम को जल्द से जल्द जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। मरूम शिवरंजन साहब का प्रधान बोल रहा हूँ, फिर हमारे कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का जो चल रहा है जिसे जल्द से जल्द खत्म करें और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इसमें आए देखे इंस्पेक्शन करे क्या कितनी कटिंग हो रही है करे, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोगों के घर मड़गी बहुत से चले गए हैं आए देखे उन जो जितनी कटिंग बची है करे उनके मंदिर के सामने नाली है बनाए अंदर है और एक मंदिर है जो सही तरीके से नहीं है पहले उसको साफ करें और फिर बांध यहाँ बनाए। ये म्यूनसिपाली कमीशन के पास डायरेक्ट बार मेमोरेंडम देने आए, इससे पहले 23 जुलाई को दिए थे हमारे दिन आज को 15 दिन म्यूनसिपाली कमीशन क्या एक्शन नहीं लिए फिर उसके वास्ते भी दोबारा आना पड़ा है म्यूनसिपाली कमिश्नर को मेमोरेंडम लेने के लिए। हम चाह रहे मंदिर अंदर बना लेने लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल को, कमिश्नर साहब क्या भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, अगर ऐसे रेस्पॉन्स नहीं दिया आज म्यूनसिपाली में धरना बैठे, अगर नहीं बोले तो फिर इससे कम्युनल राइट्स होने के अंदाजे से नेक्स्ट टाइम हमें पूरा बड़ा प्रोटेस्ट करके म्यूनसिपाली में बैठ दे, ये रिक्वेस्ट कर रहे कमिश्नर साहब को एक्शन लो मंदिर अंदर बनाने के वास्ते
तो डॉक्टर को जाके क्या करना है उन्हें कर ले, हमारी बात को रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। अगर रेस्पॉन्स नहीं दिए तो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। रिक्वेस्ट करते कमिश्नर साहब को, प्लीज मेमोरेंडम की बात नहीं है, रिक्वेस्ट करूँ हम तुम्हारे बोल रहे और ये चेतावनी नको समझो, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। बोले भी नहीं, मस्जिद में बोलने वाले थे नको बोल को, बड़े लोग हम बोले, शमशाद भाई बोले, खलील भाई बोले, अहमद बोले, नको हम फ्रेंडशिप में जाओ बात करेंगे बोल को बोले, वो बात करने के वास्ते आए। कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे कि डिमोलिश करो मंदिर, अंदर बना लो, बना लेने को नहीं बोल को नहीं बोल रहे, अंदर बना लो। इतने में हम नौजवान बच्चे इतने चार है। कमिश्नर अगर मंडे के दिन नहीं आए तो आप लोग एक्शन क्या ले रहे? नेक्स्ट फ्राइडे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं म्युनिसिपैलिटी में, बट म्युनिसिपैलिटी में और वहाँ पे भी होता क्या मंदिर के पास? वहाँ भी बढ़ते रोड पे बढ़ते वैसा बोले वैसा, म्युनिसिपैलिटी में तो 100% बढ़ते। अगर पूरे नौजवान बच्चे हॉस्पिटल में बैठेंगे वहाँ भी बढ़ते। क्या पूरा टीबू सर रोड बंद करते थे? बंद करते इंशाल्लाह, बंद करते। वार्ड नंबर 8 में लक्ष्मी नारायण नरसिंह है, वहाँ पे ऑलरेडी पीछे मंदिर है, उसे ही मेंटेनेंस नहीं कर जो है गैर जरूरी बाहर बना रहा हूँ। ये हमारा डॉक्टर और कोई नालायक म्युनिसिपैलिटी का एक नालायक जी गया था इंस्पेक्शन के लिए और बोल रहा भाई खुद की जगह बना रहा, वो नालायक मालूम होना चाहिए। कोई भी कुछ भी बनाना है अपनी जगह में तो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे कि टाउन प्लानिंग से म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेना, तो ये गैर जरूरी बगैर परमिशन के बनाया, उसकी जगह बनाया, उसकी जगह में बनाने के लिए हम इतना नहीं कर रहे। और रोड पर आकर जो है ना रोड वाइंडिंग को जो है ना उसे गरीबों की जगह पूरी चली गई। मास्टर प्लान में रोड वाइंडिंग में जो है ना जगह बचाई गई, नाटक कर रहा। और इसके साथ कौन कौन हमारे म्युनिसिपैलिटी वाले ऑफिसर्स कौन कौन है नहीं मालूम, अगर कोई म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर हो तो इंशाल्लाह पूरे मंदिर को बराबर लंगा करके गई उनको और मंदिर किसी हाल में निकालना वहां से। मंदिर बनाने से कोई एतराज हमको ठहर बना कर देते उसे अंदर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो है ना हर टाइम कैद में आते, अगर कुछ भी होगा रोड पे कुछ भी होगा तो जो है फसाद होने के चांसेस है। इसलिए मैं म्युनिसिपैलिटी वाले को मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं म्युनिसिपैलिटी वाले बोल को मैं ये करा हुई सीधे तरीके से करा लेता हूँ, गलत तरीके से कराना हमारे बात था। अगर फिर के दिन नहीं करे तो इंशाल्लाह आइंदा जुमा पूरे रेचो में जो है 10,000 आदमी के साथ लेकर जाना म्युनिसिपैलिटी को बहुत ये कर देंगे, पूरा मजबूर कर देंगे उनको ये करने के लिए निकालने के लिए। मैं इसके थ्रू जो है ना मैं उनको एक ये कर रहा हूँ, मैं मैसेज भेज रहा हूँ मैं म्युनिसिपैलिटी को और कंसर्न डिपार्टमेंट को, अगर लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीसी म्युनिसिपैलिटी जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार होंगे, हम उसके जिम्मेदार नहीं। क्योंकि हम 2-4 महीने से लगातार बोले जा रहे बेवकूफ समझ रहे क्या समझ रहे नहीं मालूम, अगर ऐसा करेंगे तो सिर्फ अंदरों खेले वाले वार्ड नंबर 7 और 8 के थोड़े 1% नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो 15-20 आदमी उठाकर जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना इसका ये करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। इसलिए म्युनिसिपैलिटी वालों को बोल रहा हूँ मैं होने से पहले एक्शन लेकर कानून से करा जाने दे, परमिशन लेना पहले निकाल कर बाद में परमिशन लेना हो, लेकर बना रोड पर बना दे बीच में हमारा एतराज नहीं है। जैसे पब्लिक गार्डन कब्जा होगा वो भी ये कर लेते हमारा एतराज नहीं है, मगर पहले परमिशन लेना हो। उसके बाद की जाएगी नहीं डॉक्टर की ना तो म्युनिसिपैलिटी वाले किसी की जाति विरासत है, अगर म्युनिसिपैलिटी में कोई अगर कट्टा बनाए तो तोड़ते आकर लोगों गुंडागर्दी करते क्या क्यों कर रहे क्या क्यों नहीं कर रहे, इधर एक्शन क्यों नहीं ले रहे तुम, क्या हम क्या बेवकूफ है हम रेचुर वाले मुसलमान आयोज वाले। अगर अगर पीर के बाद अगर आइंदा जुमा से पहले उसे एक्शन नहीं लेंगे तो उसके जिम्मेदार डायरेक्ट पर होगा, उसके जुमा से पहले अगर एक्शन नहीं लिया तो उसके जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता हूँ। इसके थ्रू मैं डीसी साहब को भी करूँ, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने भी आकर म्युनिसिपैलिटी से रब्ता करके उसका इमीडिएट एक्शन लेना। बिल्कुल। आपका नाम? सैयद शमसुद्दीन। आपका नाम? आपका नाम? शहबाज हुसैन। जुलाई को एक मेमोरेंडम दिए थे हम लोग साहब को कमिश्नर साहब को कि वहाँ पे मंदिर जो बना हुआ है मंदिर निकालो बोले, उसको अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया ना कमिश्नर साहब लिए ना डीसी साहब लिए। फिर हम लोग दोबारा धीरे धीरे वहाँ के मेमोरेंडम दिए सब जने मिलकर 7 और 8 नंबर से, उसको तोड़ रहे क्यों नहीं और मास्टर प्लान में उसका हॉस्पिटल क्यों नहीं तोड़ रहे? हमारे को ये मंडे के दिन उन्होंने तोड़ने वाले बोले, हमारे को एक भरोसा दिए कमिश्नर साहब तोड़ने वाले, अगर मंडे अगर नहीं करे तो जुम्मा के दिन हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं अगर मंडे, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है पता नहीं, क्या काउंसलर इन्वॉल्व है या कमिश्नर इन्वॉल्व है, कौन कौन है, कौन कौन पैसे खाए पता नहीं, कुछ पैसे खाए बोल के उसका हॉस्पिटल नहीं तोड़े, गरीब लोगों का सबका तोड़े सर वहाँ पे आशी खाना हमारा झंडे कटा भी एक तोड़ दिए, आशी खाना भी तोड़ दिए, क्यों भाई इसका क्यों नहीं तोड़े? बिल्कुल। तक हम देखने वाले हैं उसको मंडे तक आप लोग देखने वाले, उसके बाद जुम्मा तक एक्शन लेने, बहुत बड़ा पोर्टल।
आपका नाम? अहमद बेग, वार्ड नंबर 7, डिफिटेड कॉस्ट।